दोस्तों, अगर आपका फोन बहुत ज्यादा हैंग कर रहा है, कुछ भी सही से ओपन नहीं होता, आप कोई भी गेम खेलते हो तो गेम सही से नहीं चलता, इंटरनेट चलाते हो तो पूरा हैंग हो जाता है, स्क्रीन पर टच करते हो तो सही से टच काम नहीं करता, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में ना दोस्तों, मैं आपको एंड्रॉयड फोन की कुछ ऐसी हिडन सेटिंग बताने जा रहा हूं, जिससे अगर आप अपने फोन में कर लेते हैं तो जिंदगी में दोबारा दोस्तों आपका एंड्रॉयड फोन कभी भी हैंग नहीं करेगा। सच बता रहा हूं, 100% लिख के ले लो दोस्तों, दोबारा आपका फोन कभी भी हैंग नहीं करेगा। सिर्फ जो जो सेटिंग मैं आपको बताने जा रहा हूं, वह सेटिंग आपको अपने एंड्रॉइड फोन में करना होगा, उसके बाद आपका फोन एकदम सुपर फास्ट हमेशा नए जैसा चलेगा। तो कौन कौन सी वो सेटिंग है, वो सब जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और शेयर कर देना। तो आइए दोस्तों, मैं आपको सभी सेटिंग के बारे में बता देता हूं जिसे आपको अपने एंड्रॉइड फोन के अंदर करना है, उसके बाद आपका फोन दोस्तों लाइफ में दोबारा कभी भी हैंग नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने फोन का जो मेन सेटिंग है इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको एकदम नीचे चले आना है, यहां पर आपको अबाउट सेटिंग देखने को मिलेगा, तो सिंपली दोस्तों आपको इसे ओपन कर लेना है। ओपन करेंगे, एकदम नीचे दोस्तों आपको बिल्ड नंबर देखने को मिलेगा। अगर आपके पास MI का, रेडमी का या फिर Xiaomi का डिवाइस है तो दोस्तों आपको यहां पर MIUI वर्जन मिलेगा, ठीक है। इसके ऊपर आपको सिंपली क्या करना है, 7 बार ऐसे-ऐसे फटाफट क्लिक कर लेना है। जैसे 7 बार क्लिक करेंगे तो आपके फोन में एक डेवलपर सेटिंग जो है ऑन हो जाएगा। कई लोगों को इसके बारे में पता होगा इसे कैसे ऑन करते हैं, लेकिन काफी लोग कमेंट करते हैं कि भाई मुझे नहीं पता डेवलपर सेटिंग कैसे ऑन करते हैं, तो मैंने यहां पर आपको बता दिया। इस प्रकार से आपको अपने फोन का जो मेन सेटिंग यानी कि डेवलपर सेटिंग होता है उसे आपको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद दोस्तों आपको सिस्टम सेटिंग के अंदर आ जाना है, क्योंकि यहीं पर दोस्तों हमें देखने को मिल जाता है डेवलपर ऑप्शन, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो सिंपली आपको इसे ओपन कर लेना है। अब इसे ओपन करेंगे तो इसी के अंदर दोस्तों कई ऐसी हिडन सेटिंग होती हैं जिसे अगर आप कर लेते हैं तो फोन दोबारा दोस्तों हैंग नहीं करेगा। वो क्या है मैं बता देता हूं। सबसे पहले दोस्तों आपको इस प्रकार से नीचे चले आना है, यहां पर आएंगे दोस्तों तो आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग देखने को मिल जाता है जिसका नाम है ऑटोमेटिक सिस्टम अपडेट, ठीक है। अब दोस्तों होता क्या है, हमारे फोन में जैसे ही कोई अपडेट आता है वो हमारे फोन के लिए सही है नहीं है कुछ पता नहीं चलता, हमारे फोन क्या करता है ऑटोमेटिकली उसे अपडेट कर देता है। हमने इस सेटिंग ऑन कर दिया है तो हमसे कुछ भी पूछेगा ही नहीं, हमारा फोन खुद ही दोस्तों सारा का सारा काम कर देगा, डाउनलोड भी कर देगा और अपडेट भी कर देगा, हमें पता ही नहीं चलेगा। तो दोस्तों आपको सिंपली करना क्या है, ये जो सेटिंग यहां पर ऑन हो रखी है ना, इसे आपको बंद कर देना है। इसे अगर आप बंद नहीं करेंगे तो आपके फोन का हैंग प्रॉब्लम कभी भी खत्म नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको ये सेटिंग बंद करना है। अब इस सेटिंग को बंद करने के बाद दोस्तों जो दूसरे नंबर की सेटिंग है वो आपको यहां पर ऊपर ही देखने को मिल जाता है, जिसका नाम है दोस्तों हार्डवेयर सुपर बूस्ट। आप यहां पर देख सकते हैं, अब इसी से आप समझ गए होंगे ये सेटिंग क्या काम करती है। अगर आपका फोन स्लो हो गया है, हैंग करने लग गया है, सही से टच काम नहीं कर रहा है, बहुत ही ज्यादा बोल सकते हो लैग हो रहा है, तो ऐसे में दोस्तों ये जो हार्डवेयर सुपर बूस्ट है इसे आपको यहां से ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद दोस्तों जो आपके फोन में हार्डवेयर लगे हैं जैसे कि प्रोसेसर हो गया, रैम हो गया, GPU हो गए, इन सभी चीजों को दोस्तों ये सुपर बूस्ट कर देगा, एक प्रकार से बोल सकते हो रिफ्रेश कर देगा, जिसके बाद दोस्तों ये सभी चीजें काफी फास्ट वर्क करने लगेंगी। उसके बाद दोस्तों अब आपको यहां से बैक करना है, क्योंकि दोस्तों जो तीसरे नंबर की सेटिंग है वो आपको करना है एसेसिबिलिटी के अंदर। तो यहां पर दोस्तों हम एसेसिबिलिटी सेटिंग को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको नीचे चले आना है, नीचे आएंगे तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट सेटिंग देखने को मिल जाता है जिसका नाम है रिमूव एनिमेशन, आप यहां पर देख सकते हैं। अब ये सेटिंग दोस्तों बाय डिफॉल्ट बंद रहता है, इसे आपको यहां से ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद दोस्तों आपके फोन में जो भी फालतू के एनिमेशन लगे हैं जिससे हमारा फोन स्लो हो गया है, हैंग करने लग गया है, वो सभी एनिमेशन ऑटोमेटिकली आपका डिवाइस बंद कर देगा, रिमूव कर देगा, समझ गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है उनके लिए जिनका फोन बहुत ज्यादा हैंग करने लग गया है, स्लो हो गया है। तो यहां पर दोस्तों आपको ये तीसरे नंबर की सेटिंग करना है। जैसे जैसे मैं सेटिंग बता रहा हूं ना दोस्तों, बिल्कुल आपको वैसे ही करना है, ये नहीं कि पहला सेटिंग आप लास्ट में करो, ये सब आपको नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप सभी चीजें करना है, तभी दोस्तों आपका फोन हमेशा एकदम नए जैसा वर्क करेगा। तो यहां से अब आपको बैक कर लेना है, तीसरे नंबर की सेटिंग कंप्लीट हो गई, उसके बाद वापस से सिस्टम सेटिंग के अंदर चले आना है। इस प्रकार से यहां पर वापस से हमें डेवलपर सेटिंग को ऑन कर लेना है। इसे ऑन करेंगे तो नीचे की तरफ चले आना है, यहां पर आपको एक रनिंग सर्विसेस करके देखने को मिल जाता है जो कि दोस्तों चौथे नंबर की सेटिंग है। अब इसके लिए आपको इसे ओपन करना है। अब यहां पर आपको यह चेक करना है कि आपके फोन में कोई ऐसी गलत एप्लीकेशन
एप्लीकेशन यहाँ पर बैकग्राउंड में रन तो नहीं कर रही है, क्योंकि दोस्तों कई बार गलत एप्लीकेशन हमारे फोन के बैकग्राउंड में रन करती है जो हमारे फोन का प्रोसेसर स्लो कर देती है, रैम को स्लो कर देती है, हमारे पूरे फोन को ही स्लो कर देती है और हैंग कराने लगती है। ठीक है, तो ऐसे एप्लीकेशन को आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। अगर कोई भी एप्लीकेशन लगे जैसे कि हमारे फोन में ये जो एप्लीकेशन है ये सही नहीं लग रहा है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और इसे यहाँ से तुरंत स्टॉप कर देना है। स्टॉप कर देंगे दोस्तों तो कुछ ही टाइम बाद ये यहाँ से गायब हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद होगा क्या दोस्तों, जो आपके फोन को हैंग कराने लग गया है था, स्लो कर दिया था, वो यहाँ से गायब हो जाएगा, तो उसके बाद आपका फोन ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाएगा। समझ गए? तो यहाँ पर आपको चेक कर लेना है, कोई भी गलत एप्लीकेशन है तो उसे तुरंत आपको स्टॉप कर देना है। तो ये चौथे नंबर की सेटिंग हो गया जो आपको यहाँ पर कर लेना है। अब दोस्तों अगर आपके फोन के अंदर कम जीबी का रैम दिया गया है, जैसे कि 2 GB, 3 GB, 4 GB और आपका फोन बहुत ज्यादा हैंग कर रहा है, तो ऐसे में दोस्तों आपको एक इंपॉर्टेंट सेटिंग करना है। वो सेटिंग मैं आपको दिखा देता हूँ जो कि नीचे की तरफ आपको देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा नीचे आएंगे, आप यहाँ पर देख लीजिए Force 4X MSAA, ये जो सेटिंग है ये पांचवें नंबर की सेटिंग है। तो सिंपली दोस्तों आपको इसे ऑन कर देना है। इसे वही लोग ऑन करेंगे जिनके फोन में कम जीबी का रैम दिया गया है, मैं ये पहले ही क्लियर कर दूं। ठीक है, अगर आपके फोन के अंदर 2 GB, 1 GB, 3 GB, 4 GB रैम दिया गया है, 4 GB से ज्यादा अगर आपके फोन के अंदर रैम है तो आप इस सेटिंग को ऑन मत करना। ठीक है, अगर इससे कम है तो आप इस सेटिंग को ऑन कर लीजिए। ऑन करने के बाद दोस्तों होगा क्या, आपके फोन के अंदर जो रैम परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा इंक्रीज जाएगा और आपका फोन काफी फास्ट वर्क करने लगेगा। समझ गए दोस्तों? तो इस प्रकार से आपको ये सेटिंग कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर तो और भी कई सारी सेटिंग है, जैसे कि यहाँ पर आप चाहिए तो ये जो बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट है इसे दोस्तों अपने हिसाब से कर सकते हैं, नो बैकग्राउंड प्रोसेस कर सकते हैं या फिर ओनली वन प्रोसेस कर सकते हैं, मतलब कि और भी काफी सारी सेटिंग है। लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट सेटिंग था वो सब मैंने दोस्तों आपको बता दिया है। ये सभी सेटिंग अगर आप अपने फोन के अंदर कर लेते हो ना, 101% गारंटी देता हूं दोस्तों आपका फोन कभी भी स्लो वर्क नहीं करेगा, हमेशा एकदम फास्ट रहेगा जैसा मेरा फोन रहता है। समझ गए? तो अगर आपको दोस्तों यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।